दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद समाज सेवी अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस नोट में कहा, भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुझे बेहद दुख हुआ। जन लोकपाल आंदोलन मेरे साथी रहे, केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना है। जिन बातों के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, उसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करके केजरीवाल ने करोड़ों भारतीयों का विश्वास तोड़ा है। एक पवित्र आंदोलन को एक राजनीति फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। अन्ना ने कहा, ऐसे व्यवहार से सामाजिक आंदोलन में कार्यरत कार्यकर्ताओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये स्पष्ट हो चुका है कि एक पवित्र आंदोलन को एक राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मामले की अंत तक जांच होनी चाहिए। अन्ना ने कहा, इस पूरे मामले से मैं हैरान और हताश हूँ। इस मामले की अंत तक जांच होनी चाहिए। मुझे आशा है पूरी जांच के बाद सत्य जनता के सामने आएगा और दोषी को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, एक आंदोलन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तबाह किया गया, इस चीज का दुख है। आज उस आंदोलन का राजनीतिक विकल्प भी असफल हुआ, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।